आगर मालवा मध्य प्रदेश शासन बच्चों की पढ़ाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है ताकि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा मिले। हम बात कर रहे हैं आगर मालवा मध्य प्रदेश के पिपलोन कला की। यहाँ पर शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल तो है लेकिन गांव से दूर, जिसमें आने जाने का पहुंच मार्ग कच्चा है जो बारिश शुरू होते ही कीचड़ में तब्दील हो जाता है। यहाँ स्कूल की बिल्डिंग करीब 3-4 वर्ष पूर्व शासन द्वारा करीब 56 लाख की लागत से इसका निर्माण हुआ था। ये बिल्डिंग जंगल में लावारिस पड़ी है। स्कूल जाने वाले पहुँच मार्ग की हालत खास्ता है। इस कच्चे मार्ग पर बारिश होती भारी कीचड़ हो जाता है, जिस कारण यहाँ पर स्कूल नहीं लगाया जा सकता। बारिश शुरू होती पुलिस चौकी के आसपास जो पुराना स्कूल भवन बना हुआ उसमें स्कूल लगता है। पिछले 3-4 दिनों से हो रही भारी बारिश से चलते गुरुवार को इस पुराने भवन में बारिश का पानी भर गया, जिस कारण छात्र छात्राओं को बिना पढ़ाई किए अपने घर जाना पड़ा। इसकी खबर हमारे विशेष संवाददाता रफीक खान को लगी तो वो तुरंत स्कूल में पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो छात्र स्कूल के बाहर खड़े मिले। इस संबंध में जब छात्रों से जानकारी ली गई तो वो बोले कि हम इस स्कूल में कैसे पढ़ाई करें, इसमें तो जगह जगह पानी टपक रहा है, इसकी छत कई जगह से क्षतिग्रस्त हो रही है। जब हमारे संवाददाता स्कूल के अंदर गए तो नजर आया कि पूरा स्कूल भवन जर्जर हो रहा है, कई जगह से पानी भी टपक रहा है और स्कूल की छत भी जर्जर हो रही है। अगर इस बीच छात्र छात्राओं के साथ कोई दुर्घटना घट जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि इस मार्ग की खस्ता हालत को लेकर पूर्व भी हमारे संवाददाता द्वारा बड़ी प्रमुखता से सारी पूरी समस्या को लेकर समाचार प्रकाशित किए गए थे, लेकिन शासन के नुमाइंदों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। जब से लेकर अब तक स्कूल का पहुंच मार्ग नहीं बना, जिस कारण छात्र छात्राओं में भारी आक्रोश से देखा जा सकता है। गुरुवार को पुराने भवन में बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षक शिक्षिकाएं तो आए थे, लेकिन स्कूल में पानी भरा होने के कारण स्कूल नहीं लग पाया और मायूस होकर सभी छात्र छात्राएं घर लौट गए। हमारे स्कूल में पानी भरा हुआ है और बिल्डिंग जर्जर जर्जर पानी गिर रहा है और छत गिरने की संभावना, जिससे विद्यार्थियों को अंदर बैठने में डर लग रहा है और उससे बहुत परेशानी आ रही है। और वहाँ पर जो हमारी नई बिल्डिंग है स्कूल की, वहाँ पर जाने के लिए रास्ता नहीं है और रास्ता ख़राब है, और हमने बहुत बार आवेदन भी किया पर किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आज आप स्कूल में आए हो तो मतलब बैठे कि इस कारण के लिए नहीं बैठे स्कूल? हमारे स्कूल में पानी भरा हुआ है और व्यवस्था कुछ भी नहीं हो पा रही, इसलिए हमें सर ने कह दिया घर जाओ। आपने सर से बोला है क्या स्कूल में कम जा रहा है घर? आपने सर से बोला, सर ने बोला कि जाओ बैठो छत में, आपके छत गिरने की संभावना आपको लग मिल जाएगी, इसलिए सर ने मना कर। आपका नाम क्या है? नौशाद नियाज। स्कूल में नहीं बैठे हुए, ये क्या कारण से नहीं बैठे? ये जो हमारी हाई स्कूल की जो पुरानी बिल्डिंग है ये बहुत जर्जर हो चुकी है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। नई बिल्डिंग में पहुंच मार्ग नहीं है इसलिए बच्चे वहाँ पे जा नहीं पा रहे हैं। तो सर 4-5 साल हो गए उसको बने को, जो लावारिस पड़ा हुआ है स्कूल जंगल में, उसका रोड का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है सर अभी तक? हमारे संस्था के माध्यम से हमने शासन को कई बार अवगत कराया है और इसके लिए हमने पत्र भी लिखा है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि ये शासन स्तर का मामला है। ये हम पहुंच मार्ग के मामले में हम कुछ नहीं कर सकते। आपका नाम क्या सर? अशोक शर्मा, अध्यापक शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल पिपलोन कला। ठीक सर।